हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग अब भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4, तो बस हम लोग निकलने के लिए ऑलमोस्ट मतलब पूरा रेडी हो गए। तो अब चलते हैं सीधा स्टेशन की तरफ और देखो कितने सारे झूले जब्बे पड़े। और मम्मी बेस्ट ऑफ लक फॉर ये वाली जर्नी के लिए। मम्मी रेडी है? देखिए। हाँ बेटा, एक मिनट। जय बाबा जी, जय बाबा जी, बाबा जी। चलो निकलते हैं। हाँ बेटा, अरे तुम तो एकदम हीरो नंबर 1 लग रहे हो। वाओ, न्यू चलो। हाँ अरे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब निकलते हैं, आपको मिलेंगे सीधा। चलो भाई, हो गया। अब पूरा घर एकदम ऐसा लग रहा है कि सुनसान हो गया भाई। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, ऐसा लगता है कि पूरा मेरा पूरा खानदान जा रहा है। हो देखो क्या सीन है भाई। तो ये लगा दिया है पूरा सामान ऊपर, ये लोग बैठ गए अंदर और ये भाई अपना कर रहे हैं। चलो फाइनली टैक्सी के अंदर और जा रहे हैं अपनी जर्नी की तरफ। ये मैं और अन्नू मेरे साथ में है, उसकी मम्मा थोड़ा सा आगे निकल गई है। अब भीड़ है यार, पूरे ऊपर वाले आके खड़े हुए। और यहाँ पे देखो, इसको गुंडी को गर्मी लगने लग गई। एक सामान यहाँ पे, वहाँ पे पूरा सामान उतर गया हमने। चलो अभी चलते हैं अंदर, धीरे धीरे सामान लेके चलूँगा मैं, तुम लोग यहाँ पे आना। हाँ हाँ, रुक जाओ, साथ में जाएंगे। एक जन मेरे साथ में चलेगा, बाकी के रुकेंगे। हाँ भाई, क्या भीड़ है, मुझे गले जगह थूकते रहते हैं ना इन लोग इसकी वजह से। भाई देख रहे, ये 6 बजे का सीन है, इतना भीड़ है। बाप रे, क्या हुआ पता है क्या? मैं सबके टाइम में जाता हूँ, मगर मेरे टाइम में आया मालूम ना हो तो बहुत सारे। हाँ तो धर्म पत्नी रहेगी ना भाई। देखो ट्रेन भी आ गई, तुलसी एक्सप्रेस, चलते। अरे अभी पूरा सामान लाना बाकी, देखो सब फटाफट घुसेड़ देंगे। कोई नहीं, अपना 4 चीज़ अपनी जगह पे कौन घुसेड़ेगा। हाँ भाई, पहली बार गई तुम्हारा भाई ट्रेन में बैठ के, मतलब इतने दिन के बाद में यार, 4-5 साल हो जाते हैं, 4 साल में भी उसके बाद में ट्रेन में बैठने वाला हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे ना जो सेट कप करने में लगा है ना, मेरी तो वाट लगी सीरियसली। देखो यानू यहाँ पे आके बैठ चुकी है। अरे क्या ही बोलूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है। अरे मम्मी वहाँ पे ऊपर कुछ सेटअप कर रही है, तो ये तीनों सीट है ना हम लोग को मिल गई, तो उसकी वजह से थोड़ा ही बेनिफिट हुआ। अभी ट्रेन चलने में मे बी 30 मिनट मोर, तो उसके बाद में देखेंगे। वहाँ पे तो झगड़ा पकड़ा हो रहा है, मार 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 मार। तो भाई ये देखो, ये कितना रो रही थी, इतना रोती, इसको नीचे उतारना पड़ा 2 मिनट के लिए। अभी ट्रेन को चलने में आधा घंटा बाकी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये वाली सीन दिखा दूँ आपको। कोई नहीं है, फिर पहले भाई इतनी भसर मची पड़ी थी कि पूछो मत। हाँ नहीं, आ गई, ये है गाड़ी नंबर हमारा और फाइनली बैठ चुके हैं। फाइनली ट्रेन चालू हो गई हमारी। बाय 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 बाय। चलो चलो भाई, एक बार जयकारा लगाएंगे और फिर खत्म करेंगे। चलो बोले हाँ मम्मा, कहाँ गए? एक बार जयकारा लगाएंगे फिर खत्म करेंगे। तो फाइनली ट्रेन चालू हो गई, तो बोलते हैं, बोलो जय सिया रामचंद्र की। अरे मेरी तरफ, फिर तो बोलो यार, मेरी तरफ कैमरा था तो क्या बोलेंगे। हाँ वही, गणपति बप्पा। चलो फाइनली ट्रेन चालू हो गई।
स्वेटर पहन लो। क्या ही बताए आपको, जय सूरज बाबा। अब चलते कुछ नाश्ता पानी करते हैं और अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। मुझे लगी है ना बहुत जोर से भूख, तो मैं मम्मी को परेशान करके खाना निकालने बोला हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना निकाल दी, खा लेता हूँ फिर टपक करके सो जाऊँगा। मेरे गुच्छू लोग तो सो रहे हैं। मेरा ट्रेन का स्पेशल खाना कुछ इस तरह से है, मैं अभी पैसे खाऊंगा बट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रही भाई साहब, कभी खाता हूँ, भूख लगी है मेरे को तो। मम्मी पूरी दुकान लेके बैठी। ये रहा भुसावल जंक्शन, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 12:30 बजे भुसावल जंक्शन के बाद में पहुँचे और जा रहे अपने घर पे। क्या व्यू है, चाय पानी केला सब लगा के रखे हुए। वो देखो ट्रेन चल रही, अभी ये 6 और हम लोग जा रहे हैं लूडो खेलने के लिए, कुछ भी टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। नुआ देखो भैसिया। अबे भैंस भी है बे। रात के अभी बज रहे हैं 6 और हम लोग जस्ट ना टाटी पहुंच गए हैं भाई लोग। अब अगली जर्नी पता नहीं क्या होने वाली है, बट इसके बाद में मैंने तो खाना ठूस के खा लिया, बस के बाद में बस तो नहीं है। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, पिंक शूटर? हाँ अभी पहनाती है मम्मा, व्हाई यू क्राइंग बट। तो भैया जाकर थोड़ा इटारती के घूम लेता हूँ, बैठे बैठे मैं घंटाल गया हूँ सदन से। मम्मा को नीचे बुलाया, अभी बातें होते करेंगे, मगर मैं खुद बाहर बाहर। तो भाई यहाँ पे भी वही शोर शराबा, अंदर बैठे बैठे ना मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी, तो अभी बोला हो कि थोड़ा उतरता हूँ। वाह दो दो अंकल को दे दो, अंकल को दे दो, अंकल को दे दो, जल्दी जल्दी। ये बाबा बाय बेराम। चलो भाई फाइनली फाइनली इटारसी जंक्शन से क्रॉस होते हुए। ये आराम से चलो, पूरा सूख गया। या देखो हमारे मेरारू दीदी वहाँ बैठी बाटी, जाके नाश्ता कर लो। अरे अरे चलो पानी बोतल पानी दुश्मन पेट भरा हुआ। अनु चलो स्लीपिंग कर लो, बाय गुड नाइट बोलेंगे। ओके चलो स्लीपिंग। तो भैया अभी स्लीपिंग का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अब सोने के लिए, और सुबह उठेंगे क्या। हाँ तो अब स्लीपिंग का टाइम है, अब सोने जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ओके वहाँ पे वो लोग सो गए, नीचे आरती सो गई है और मैं भी जा रहा हूँ अम्मी बेटी के साथ में सोने के लिए। यस चलो बाय गुड नाइट, मिलते हैं आपको सीधा मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, जस्ट ना अभी सो के उठा, तो सो के उठने के बाद में वो क्या देखने मिला ना, ये देखो।
हंस रही है। मेरी अन्नू है ना अपने पिल्लू को सुलाई है। भाई साहब एक अलग ही मूवमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो बोलती है पापा उसको भी ठंडी लग रही है, मैं इसको उड़ा दूँ क्या? मैंने बोला उड़ा दो बेटा, अब क्या ही बोल सकता हूँ। इसको दूध पिला दो, इसको दूध पिला दो बेटा। नहीं बाद में, अब उसको गर्मी लग रही है, निकाल दो गर्मी। साथ में मेरा है ना गुड मॉर्निंग प्यारा सा हुआ है, बट चाय वाला आया था ना तो चाय की ठंडी निकली, तो जिसके कारण से मैंने चाय तो नहीं लिया है, बट हाँ वेट कर रहे हैं कि गरम वाला चाय आ जाए, फिर उसके बाद में गरम गरम चाय पियेंगे। हाय क्या हुआ? फ्रेश अप वेश अप करके ये जर्नी में मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना गाँव जाने के बाद, गाँव जाने के लिए, तो ये बहुत अलग तरह का फीलिंग है मेरे लिए। टाइम पास चालू है बच्चों लोग के साथ में और मम्मा के साथ। सही है भाई, शादी कर लेना भाई आप लोग भी, अब बाद में पछताना तो बोलना नहीं। तो मेरे साथ में अभी अन्नू है, इधर देखो ऊपर। हाय अन्नू, मेरे साथ में अन्नू है। मैं और अन्नू अभी प्रयागराज स्टेशन पे पहुंचे हैं और थोड़ा नीचे चल रहे हैं। चलो चलो, कितना अच्छा लग रहा है। 2 मिनट का वॉक हो जाएगा फिर वापस इन लोग को ले जाऊंगा। कब से रो रहे थे पापा नीचे लेके चलो, नीचे लेके चलो। फाइनली काफी लोग, कौन सा स्टेशन आया? प्रतापगढ़ आ गया। तो देख लो भाई प्रतापगढ़ वाली लाइन लग चुकी है। तो आप उन्हें ना एकदम लास्ट स्टॉप है, मतलब अयोध्या जंक्शन। अभी वो आने के लिए मे भी आधा घंटा और 1 घंटा और लगेगा। देखो प्रतापगढ़ का वड़ा पाव दिख गया है। वड़ा पाव उधर वो है, मुर्जी को लगाना। किसको लगाना है? मैंने को। ठीक है हाँ भैया। तो भाई अभी यूपी वाली एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है। फाइनली बस 2 स्टेशन दूर, फिर इसके बाद सीधे अपने अयोध्या जन्मभूमि स्थान पर होंगे हम। पकौड़ा खा लिया, गरम पकौड़ा। मम्मी तो भूल गई भाई, पकौड़ा। सही है भाई, हो चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुल्तानपुर चलो, अंकल मेहनत कर रहे हैं। सारा सामान वामान यहाँ पे निकाल के रख दिया है गाइस। तो फाइनली हम लोग उतरने ही वाले हैं, तो अभी पता नहीं क्यों सिग्नल लगा है तो उसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। तो आरती आर एक्साइटेड? यस। उसको पूछा आर यू एक्साइटेड, बोलती है यस झाड़ू लगाने के लिए। कोई बात नहीं, आपको लगाना ही पड़ेगा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब उतर जाएंगे। एग्जैक्ट क्या सीन है आपको, मेरे को पता नहीं है, आपको बाद में पता चलेगा। तो वेट फॉर मी। भाई फाइनली मैं ना अयोध्या पहुंच चुका हूं और यहां पर कितना प्यारा नजारा लग रहा है वो देखो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करता हूं खत्म, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत डिफरेंट होने वाली है और मेरा घर वीर का कुछ क्या सीन है वो सब पता चलने वाला है। तो आप लोग वेट करो और आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं। तो हाँ, आधा सामान यहाँ पे जमा हो गए, धीरे धीरे मेहनत करके लेके जा रहा है, मगर पार करके उस साइड चलना है। तो चलते हैं भाई।